नमस्कार हूँ आदर्श छू वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी हेलो स्टूडेंट्स दिस इज पार्ट फोर ऑफ चैप्टर फाइव सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। स्टैंडर्ड सिक्स्थ साइंस बाय दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग द मेथड्स ऑफ सेपरेशन, एंड इन द लास्ट पार्ट वी डिस्कस्ड टू मेथड्स दोज वेर विनोविंग एंड सीविंग Now, let me ask you one question about what is winnowing, or we can say when winnowing is used. Can you explain when winnowing is used? Let me tell you winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. Okay, then when sieving is used. Sieving is used when components of mixer have different sizes. Okay, today we are going to discuss sedimentation, decantation, and filtration. Okay, but let me tell you, you should be in your textbook on the page number thirty-eight and keep a sharpened pencil with you. So let's start our discussion. समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कम्पोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर बाई विनोविंग एंड हैंडपिकिंग कभी कभी क्या होता है जो मिक्सर है उसमें ये दोनों प्रोसेस विनोविंग एंड हैंडपिकिंग काम नहीं आती है फॉर एक्जाम्पल देर में बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सोयल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सिस राइस एंड पल्सिस में क्या होता है कभी कभी डस्ट होती है है ना या तो सोइल पार्टिकल्स होते हैं एंड इट इज़ लाइटर इम्प्योरिटीज हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सिस बिफोर कुकिंग तो ये जो सोयल और डस्ट पार्टिकल्स है वो इम्प्योरिटीज है उसको कैसे सेपरेट किया जाए फ्रॉम राइस एंड पल्सिस बिफोर कुकिंग क्योंकि डस्ट वाला राइस तो हम कुक में नहीं ले सकते है. Anna, we should not cook rice or pulses having dust also or soil particles isn't it okay rice or pulses are usually washed before cooking rice or pulses are usually washed before cooking when you add water to these the impurities like dust particles गेट सेपरेटेड मतलब जब हम राइस और पल्सिस में पानी एड करते हैं तो क्या होता है डस्ट और सोल पार्टिकल से वो गेट सेपरेटेड वो सेपरेट हो जाते हैं दिज इंप्योरिटीज गो इन टू वॉटर और वो पानी के साथ बेह जाती है चली जाती है नाव वॉट विल सिंक टू दॉटम ऑफ द वेसल तो वेसल जो है जिसमें पानी और राइस था तो एट दी बॉटम वॉट इट विल बी नेचुरली इट विल बी राइस राइस और डस्ट इसमें से क्या होगा राइस होगा वाई बिकॉज राइस इज हैवियर देन डस्ट एंड इट हैव यू सीन दैट वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट डर्टी वॉटर या मम्मी डेली यूज करती है इसको ठीक है एवरी डे मम्मी इज टू डू सो When the heavier component in a mixer settles after water is added to it, the process is called sedimentation. Iske aapko underline hai. When the heavier component in a mixer settle after water is added to it, the process is called sedimentation. When the water एलोंग विथ दी डस्ट इज रिमूव्ड वेन दॉटर एलोंग विथ द डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कोल्ड डिकटेशन देखो अभी हमने राइस जो डस्ट वाला था उसमें क्या किया पानी एड किया है न सो वैन दी हैवियर कम्पोनेंट इन अ मिक्सर सेटल आफ्टर वोटर इज एडेड टू इट तो हैवियर कम्पोनेंट क्या था राइस ठीक है तो वो क्या होगा इट विल बी एट दी बॉटम, है ना? वो नीचे बैठ जाएगा सेटल सेटल हो जाएगा नीचे एंड दी प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन मतलब उसको सेडिमेंट बोल सकते हैं मतलब वो नीचे बैठ गया इसलिए तो उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं फिर क्या होता है जो पानी है जो कि डस्ट वाला है तो उसको बाहर निकाल देते हैं है ना वेन दॉटर एलोंग विथ दी डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेन्टेशन तो ये जो पानी जो डस्ट वाला है उसको जो वेसल है उसको टिल्ट करके बाहर निकाल देते हैं उसको डिकेंटेशन बोलते हैं फिगर फार पॉइंटेड वी विल सी लेटर लेट अस फाइंड ए फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन तो अभी और भी हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं बिफोर दैट लेट सी व्हाट इज एग्जैक्टली दी डिकेंटेशन डिकेंटेश डिकेंटेशन को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ पोरिंग द अपर क्लियर लिक्विड इन टू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स इज कॉल्ड डिकेंटेशन ये भी हो सकता है ठीक है कभी कभी क्या होता है अपर जो क्लियर लिक्विड है उसको अनदर कंटेनर में ले लेते हैं और नीचे जो है वो जो बैठ जाता है वो सेडिमेंट्स होता है तो विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन जिसके लिए अभी हम बात करने वाले हैं इसलिए ये पहले से बता दिया चलिए आगे देखते हैं नाउ वी आर ऑन ओन पेज नंबर थर्टी नाइन द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर अब सेम प्रिंसिपल मतलब सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन वो जो प्रोसेस है उसका जो प्रिंसिपल है इज यूज फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वॉटर फ्रॉम देयर मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाई प्रोसेस इफ अ मिक्सर ऑफ सच लिक्विड्स is allowed to stand for some time. They form two separate layers. The component that forms the top layer can then be separated by decantation. अब अगर हम दो लिक्विड मिक्स कर हो गया है, या तो मिक्सर है. Suppose it is oil, oil and water है. तो क्या होगा? अब जो दो लेयर बन जाएंगे इफ वी एलाउ देम टू स्टैंड फॉर ए वाइल तो अपर लेयर किसका होगा ऑयल का होगा वाई बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस दिस इन सोर्टिंग मटेरियल्स इन टू ग्रुप्स अगले चैप्टर में हमने उसके लिए बात की थी ओके okay? तो दो सेपरेट लेयर हो जाएंगे अपर लेयर विल बी ऑयल है ना द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन ठीक है आगे देखते हैं लेट अस अगेन कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड अभी तक हमने बात की जो वो ऑयल एंड लिक्विड थी मतलब दोनों लिक्विड था ऑयल एंड वाटर अब हम बात करते हैं सॉलिड एंड लिक्विड की आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स जब चाय तैयार हो जाती है तो टी लीवस को रिमूव करने के क्या करता है करते हैं यूजली वी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीवस इजेंट इट ट्राई डिकेशन इट हेल्प्स ए लिकल लिटल बट डू नॉट स्टिल गेट ए फ्यू लीव इन योर टी सी एक्चुअली क्या होता है जब चाय बन जाती है तो मोर देन नाइंटी परसेंट ऑफ टी लीवस विल बी सेटल डाउन एट दॉटम तो अगर हम डी कैंटेशन से उसको अलग कर लेते हैं चाय और टी लीव को तो काफी सारा काम हो जाता है बट डू यू स्टिल गेट ए फ्यू लीव इम्योर टी या होगा नाउ पोर द टी नाउ पोर द टी थ्रू ए स्टेनर ओके नाउ तो स्टेनर से अगर हम उसको अलग करते हैं डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द दर यस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन सी नाउ लेट्स वी विल सी फिगर 5.1 पॉइंट वन आफ्टर वाइल बाय दिस टाइम लेट्स सी दिस फिगर फाइव पॉइंट एट सी वॉट इज देयर सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। से हीयर मिक्सर किसका है सोयल प्लस वोटर तो देखो अब ये जो वोटर है उसमें नीचे जो है सोयल है सोयल को हम सेडिमेंट भी बोल सकते हैं तो इफ वी अलाउ देम टू स्टैंड फॉर अ वाइल देन व्हाट विल हैपन सोयल विल सेटल डाउन एट दॉटम एंड ये जो है वोटर वो अपर ऊपर रह, रहेगा तो उसको हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन ठीक है फिर इसको डिस्टर्ब किए बिना सोइल को डिस्टर्ब किए बिना अगर धीरे से हम पानी दूसरे कंटेनर में ले लेते हैं यहाँ पे देखिए है ना तो क्या होगा ये जो अनडिजोल्व मटेरियल है सोइल वो अंदर रह जाएगी और पानी बाहर आ जाएगा है ना सो दिस इज़ सेडिमेंटेशन एंड हियर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन अब आप समझ गए होंगे थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टेक केयर ऑफ योर सेल्व एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन थैंक यू